गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यार आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ यार सीहोर स्टेशन से आप कुबेश्वर धाम कैसे जाएं। तो यार कुबेश्वर धाम जाने के रास्ते कौन कौन से हैं और कैसे जाएं, बिल्कुल यार कौन सी गाड़ी पकड़ना पड़ेगी भाई, कौन सी गाड़ी पकड़ना पड़ेगी, कौन से ऑटो में बैठना पड़ेगा और कैसे कितना किराया लगेगा, सब कुछ मैं एक्सप्लोर करके दिखा दूँगा। कुबेश्वर धाम वाले जितने बैठे हैं यात्री यहाँ पे देख लो, और कुबेश्वर धाम जाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएं तो यार बिल्कुल यार कैसे अपनाएं। यात्री लोग बैठे यार जो घूम के आ गए हैं या फिर किसी को कहीं जाना होगा यार, ये जैसे स्टेशन है आप यहाँ से आएंगे और बाहर निकलते ही जैसे ही सीहोर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो यार आपको एक एंट्री गेट दिखेगा। जैसे आप सीढ़ियों से उतरेंगे तो यार ऑटो की लाइन लगी होगी ऐसे भाई ऑटो की लाइन लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नॉर्मली काम है भाई आपको कुबेश्वर धाम जाना, इसी तरीके से आप चले आओगे कुबेश्वर धाम। तो भैया से पूछते हैं हम कितना टाइम लगता है और कैसे जाते हैं और कितने पैसे लगते हैं। भैया कुबेश्वर धाम जाने के कितने पैसे लगते हैं भैया? अभी तो पैसे का पूछो मत, 20 रुपये भी लग रहे हैं, 30 भी लग रहे हैं, 25 रुपये में होती होंगी सवारी। अच्छा 20 रुपये लगते हैं, 30-40 लगते हैं। तो देख लो यार मतलब 30-40 रुपये आपको देना पड़ेगा कुबेश्वर धाम के, और आपके पास कितनी सवारी है वो भी यार मैटर करती है, कितना वजन है, क्या क्या आप लेके आए, लगेज वगैरह भी रहता है तो उसमें आप ये थोड़ा सा किराया बढ़ जाता है। एंड कोई दिक्कत नहीं है, भैया छोड़ देते हैं ऑटो से, इनका ये भी ऑटो चलाते हैं और यहाँ पे ऑटो परमानेंट आपको मिल जाएगा। कब तक ऑटो मिल जाते हैं भैया? रात के 10 बजे से भैया, और सुबह 4 बजे से। अच्छा रात को 10 बजे से भाई सुबह 4 बजे तक आपको 10 बजे तक मिलते हैं? अच्छा रात को 10 बजे तक मिलते हैं भाई, सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक आपको ऑटो मिल जाएगा, जिसके बाद सुबह चार बजे से भाई सुबह 4 बजे से मिल पाएगा और रात को 10 बजे तक, 10-10:30 भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन 10:30-11 एंड है क्योंकि फिर इंसान खाना खाएगा सोएगा और बाकी सब उसको भी करना है ज़िंदगी में, बहुत कुछ रहता है। तो यार ऑटो की लाइन अप लगी रहती है, यहाँ पे आए और भाई ऑटो वाले से पूछे कौन जाएगा कहाँ जाएगा, और सभी ऑटो वाले कोई भी छोड़ देगा आराम से कुबेश्वर धाम। तो इन भैया से हम पूछेंगे, इनका चेहरा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। भैया कुबेश्वर धाम जाने का कितना पैसा लेते हो? अगर सिंगल होगा तो भाई, सिंगल आदमी अगर आप जाते हो ऑटो से तो भाई 150 रुपये लगते हैं, और 4-5 सवारी रहेगी तो क्या हिसाब से लोगे? 50 रुपये भाई, 50 रुपये सवारी रहेगी अगर आप 4 लोग रहोगे तो आसानी से आप है ना 150 रुपये में 4-5 लोग चले जाओगे। लेकिन अगर आप सिंगल रहोगे तो भाई एक ही जना जा पाएगा 150 में, क्योंकि यार पेट्रोल उतना ही चलेगा भाई, सामने वाले का डीजल पेट्रोल उतना ही चलेगा जाने आने में, क्योंकि किलोमीटर तो उतना ही रहता है। और भाई 4 लोग जाओ चाहे 36 लोग जाओ चाहे एक ही जाओ, लेकिन जाना तो भाई को पड़ेगा। तो यार यही एक मैटर है। तो सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेश्वर धाम जाने के लिए इजी तरीका है, आप पैदल जाओगे तो यार बहुत टाइम लगेगा, लैंड और बस भी यहाँ से काफ़ी दूर मिलेगी, लेकिन आपको ऑटो से जाना पड़ेगा भाई, और बस के लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, जो कि यार मिले ना मिले टाइम से, पर यहाँ पर ऑटो ही एकमात्र साधन है जो कुबेश्वर धाम आपको छोड़ देता है। तो कुबेश्वर धाम जाने के लिए इजी एक यही है। चलो मैं एक और भैया से पूछता हूँ, आपने सोचा होगा कि यार स्क्रिप्टेड है, लेकिन यही कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, भैया से हम पूछते हैं। भैया कुबेश्वर धाम जाने का कितना किराया है? भैया छोटे ऑटो में लगते हैं 50 रुपये सवारी के हिसाब से, हाँ और बड़ा ऑटो वो छोटे ऑटो में, और बड़ा ऑटो हुआ तो 30 रुपये सवारी लेते हैं। ठीक है भाई, वही इजीली वही मैटर है, क्योंकि एक सवारी का तो भाई 150 रुपये रहेगा, 150 से 200, और भाई अगर 4-5 रहेगी तो भाई 30-40 रुपये के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे, अभी नॉर्मल है। तो यार आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यार प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।